सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गणेश पंडाल देखने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग को भी लेके चलते हैं साथ ही साथ। तो अभी सिर्फ 3 दिन बाकी है, लाइक सैटरडे संडे मंडे को विसर्जन है, तो सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए हमने सोचा कि आज चलते हैं, देखना भी हो जाएगा। वैसे भीड़ तो हमेशा ही रहती है, 10 दिन तक भीड़ रहती है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत पहले चली जाऊँगी, बट बारिश के कारण जाना नहीं हो पा रहा था, रेगुलर बारिश हो रही है यहाँ पर, तो आज थोड़ी सी रुकी। तो हमने सोचा कि चलो आज दिखाते हैं, और बच्चों को भी लेके ज़रूर जाना चाहिए ऐसी जगहों पर, क्योंकि वो थीम बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग यूनिक यूनिक थीम हैं, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मुझे कौन कौन से अच्छे लगे। और अच्छे तो सारे ही होते हैं, बट बहुत अलग से यूनिकनेस होती है उनमें। तो चलो देखते हैं क्या क्या थीम है इस बार। तो ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर बहुत सारे आसपास में खुले हुए हैं, एक्चुअली बहुत सारे आसपास में खुले हुए हैं। तो हम पहुंच गए हैं पहले अपने पंडाल पे। एक्चुअली यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पंडाल कनेक्टेड है एक दूसरे से ही, तो हम एंट्री हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है सच्ची में। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, ऊपर से गाने भी बज रहे हैं, तो कॉपीराइट तो मेरे में फट से आ जाता है सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग एंट्री कर लिए थे, ये था वाटर बेस था, लाइक यहाँ पर एक्वेरियम था। अभी ये न्यू थीम्स हैं सारे, तो आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, पार्किंग की जगह है और इतना हल्ला गुल्ला, इतना साउंड है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पासेस ले लिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या अलग है, क्या यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है इससे पहले, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो एंट्री मिल गई है, तो ये कुछ इस तरह से एंट्री है। तो अंदर जाके ना एक्चुअली क्या होता है, इसमें तीन तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है ये। तो फर्स्ट पार्ट में ऐसे हैं कि जिसमें लाइक ट्रेन के डब्बे के जैसे नहीं होते, जो कांच होते हैं उनमें बहुत सारी फिशेस रहेंगे, छोटे 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 अलग अलग फिशेस हैं यहाँ पर। तो मेरे को ये इनमें से किसी भी फिश का नाम नहीं पता, सच्ची बता रही हूँ, मेरे को बस एक कैट फिश का नाम पता है, उसके अलावा ये गोल्डन फिश है बस, उसके अलावा मुझे इतना आइडिया है नहीं फिशेस के बारे में सच्ची में। उसके बाद यहाँ पर एक एक सिंगल सिंगल फिशेस भी हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी, इसके फैदर मेरे को इतने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अरे ये वाली फिश को देखो, कितने अलग से अजीब से लग रहे हैं, जैसे कि ना मतलब कि आप देखोगे ना इनको से लग ही रहा है ना, जैसे पर सोए हुए से हैं, अजीब से मतलब तैर ही नहीं रहे। मेरे को पहले तो लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गए, बट नहीं ये जिंदा थे। और उसके बाद यहाँ बहुत अंधेरा था, फिर ये है जिसपे सच्ची में रियली फील आ रहा था एक्वेरियम का, ये पूरा कवर था, ऊपर से पूरे फिशेस भी ऊपर से जा रहे थे, तो पूरा प्रॉपर बहुत मस्त दुबई वाला फील आ रहा था सच्ची में, बहुत मस्त एक्वेरियम था यहाँ पर, अच्छे से फील आ रही थी। और एसी भी थी इस वाले एक्वेरियम में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बहुत सारी मछलियाँ से मर भी रही थी मेरे को ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पर देखो ऊपर के नज़ारे हैं ये, अब मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, इतने मस्त लग रहे थे। और एक जगह तो इतने सारे मछली एक साथ आ गई थी ना, मैं आपको दिखाऊंगी आगे देखना आप लोग। और यहाँ पर वेल भी थी, बेबी वेल जो होती है वो भी थी, बहुत अच्छा क्रिएटिव है, मतलब बहुत दिमाग लगाते हैं भाई। ये देखो यहाँ पर इतना बहुत सारे बड़ी इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी एक साथ आ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई भाई, कहाँ आ गई, इतना क्यूट सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से ये वाला कम्प्लीट किया थीम बेस। उसके बाद एक्चुअली क्या है कि यहाँ से जाने के बाद जो इसका जो एंड पार्ट है वहाँ पर फिर गणेश जी बैठ रहे थे, तो आपको गणेश जी की जरूर दर्शन करूँगी। तो आप देख लो कितने सारे फिशेज बहुत ज़्यादा मिलती है, ये वाले देखो ये चोंच वाले फिशेज हैं, और मतलब मेरे को डर भी लग रहा था इनको देख के, देखो ये कितना प्यारा लग रहा था, तो ऊपर ऊपर ऐसे सर के ऊपर रहिए, तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे वहाँ के गणेश जी के दर्शन करने के लिए, तो गणपति पापा मोरिया, तो हमने गणपति जी के दर्शन किए। उसके बाद हम नेक्स्ट पंडाल पे चले गए थे, क्योंकि बहुत जल्दी हम चाह रहे थे कि जितना आज हमसे कवर हो सके हम कवर कर ले, बहुत सारे देख ले। वैसे तो एक ही है, बट हर जगह जाना एक होता है ना, एक एक्साइटमेंट होती है,
पर बहुत मस्त लगता है, मतलब कि मतलब पुरानी यादें होती हैं वो ताज़ा सी हो जाती है। बचपन में हम सब लोग जाया करते थे, अब बड़े हो गए, अब अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो ऐसा। तो यहाँ पर ये वाला पंडाल एकदम पास में था, तो इस पर भी चले गए थे हम लोग। विश्वनाथ मंदिर का थीम था और इतना अच्छा आर्किटेक्चर था यार, इतना मस्त। आप देख रहे हो कितनी मस्त, कितना अच्छे से किया गया है उसकी कारीगरी। विद्यारंभे वाले प्रवेश सो यहाँ पर के भी दर्शन हो गए, हम लोग फटाफट दर्शन कर लिए थे। भाई बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज तो, बहुत ज़्यादा। और ये सोचा था इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होंगी, बट कैसे ना कैसे हमसे दर्शन कर करके आ रहे हैं। सच्ची में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब मैं एक और जा रहे हैं जो एनिमल बेस्ड पे है, वो बहुत अच्छा है, फिश टैंक वाला बहुत अच्छा था। और तो हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट लोकेशन में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, बट इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ रहा है। सच्चे में मेरी ओरिजिनल वॉइस तो आपको सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतने ज़्यादा झूले की आवाज़ आ रही थी, इतने ज़्यादा। तो हम लोग आ गए थे अपने लास्ट पंडाल पर, जो हम आज के लास्ट पंडाल पर। तो यहाँ की जो एंट्री होती है, वहाँ पर पहले झूले होते, एक से एक झूले, मतलब बहुत बड़ा पंडाल था। उसके बाद यहाँ पर ना चौपाटी टाइप बहुत सारे फूड आइटम्स भी थे, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी थी खाने के सच्चे में। और बहुत यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, सच्चे बता रही हूँ, जितने भी अभी तक हम गए हैं, दो तीन हम लोग जहाँ जाके आए हैं, वहाँ पर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर थी। और बहुत सारे वैरायटी थे। तो ये हम फाइनली आ गए थे किंग कॉन्ग। तो ये है गोरिल्ला बंदर बेस्ड शायद, और यही है थीम। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब इंसान कितना सोच सकता है यार इन सब चीज़ों के लिए। और इतना मस्त लग रहा था सच्ची में। यहाँ पर बंदर भी लाइव रखे हुए थे, लाइव तो नहीं रखे थे, मतलब कि बने हुए थे आदमी लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची में, आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी। तो यहाँ इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कैसे ना कैसे हम लोगों ने VVIP का पास लिया, वहाँ पर कम भीड़ थी। और जनरल में तो आप सोच ही लो, कल तक भी आपको लाइन में लगना पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक मंकी बन के आए हुए थे, तो उनके साथ सब फ़ोटो शूट करा रहे थे। उसके बाद हम लोग फटाफट से चले गए किंग कॉन्ग के अंदर। तो इतना मस्त लग रहा था, आप आगे तो भी आप सुनिए, वॉइस ओवर नहीं कर कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ इतने क्यूट क्यूट से बंदर है ना, सब इतने कोऑपरेटिव थे और इतने ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे लग रहे थे। लोगों के पास साथ दे रहे थे, तो कहने का ब्लॉग में इंजॉय सच में। उसके बाद हम लोग सिर्फ यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे सच में। वो डर भी लग रहा था सच में, इतना ज़्यादा डरा रहा था, इसलिए वो सामने से ही आ गया था, मुझे मज़ा नहीं लग रहा था। और वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सच में बहुत क्यूटल। जय श्री राम। चलो जा कर दो। Thank you.
यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम दिखाया था। आइए अपने जन्मदिन सबसे अच्छा मैसेज था, ऐसा करना चाहिए और दुनिया बचाओ। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मेन, जहाँ पर गणपति पापा जी को यहाँ बैठाया हुआ था। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। आप खुद देख रहे हो कितना क्यूट है। मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी, बोलना तो दूर की बात है, कुछ सुनाई भी नहीं देता क्योंकि यहाँ पर आरती भी चल रही थी। और साथ ही साथ मैं तो यही बोलती हूँ कि भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबको कामयाब करे, जो जैसा चाहता है वो वैसा उनको मिल जाए, बस यही। तो फाइनली हम देख के आ गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है सच्ची में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दो दिन बचे हैं इसीलिए शायद इतनी ज़्यादा क्राउड और भीड़ है, फिर भी हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत सारे पंडाल थे, बहुत सारे जो मेन थे हम उसी में जा पाए क्योंकि इतना भीड़ है, हर जगह इतना भीड़ है कि पूछो ही मत आप। क्योंकि लाइन के लिए भी, मतलब खड़े होने के लिए भी जगह नहीं। आप लोगों ने देखा होगा पूरे वीडियो में। सो अभी हम लोग रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए, यहाँ की फेमस कॉफ़ी है नन्हे की, आप लोग को पता होगा। और साथ में कुछ होगा तो खाने के लिए ज़रूर मैं भी दिखाऊंगी। सो जितने भी इतने सारे 8K फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे यूट्यूब पर, बट फिर भी आप लोग बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं देते, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं देते हो। तो प्लीज़ अपना व्यूज़ भी दो और प्लीज़ लाइक शेयर जितना हो सकता है, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और जितने भी नॉन सब्सक्राइब्ड हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी सब्सक्राइब्ड हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। मैंने भी बहुत कुछ कंटेंट सोचा हुआ है, अब आगे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग आती नहीं है, तो मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ। नए हैं हम लोग इसलिए मुझे व्लॉगिंग नहीं आती है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। सो चलो फाइनली मेरी कॉफ़ी भी आ गई थी, हॉट कॉफ़ी है, चॉकलेट इसके ऊपर चॉकलेट पाउडर होता है, बहुत ही नीडेड थी सच्ची में। इतना घूमने के बाद, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद सच्ची में कॉफ़ी तो चाहिए ही होती है। उसके बाद मैंने कॉर्न सैंडविच भी मंगाया। सो मैंने अपने कॉफ़ी के साथ कौन सा चीज़ मंगवाया था, बहुत ही क्रिस्पी था और बहुत ही मस्त था। चलो मैं इंजॉय करती हूँ इसको। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और जितने भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी सब्सक्राइब्ड हैं प्लीज़ शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फैमिलीज के साथ। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं कल नहीं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि और ध्यान रखें सबका। बाय 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 बाय।